और हर किसी को इसकी ज़रूरत है और इसी एम के साहब पास सालिक ने इसको शुरू किया है वी आर सो ग्रेटफुल टू एंड सालिकज ओल टीम के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम पढ़ा पा रहे हैं मैं हूं ये हमेशा कहती हूँ बिकॉज आई एम ट्रूली थैंकफुल टू वासिक क्योंकि ये नई चीज़ है जो मैं किसी भी चैनल पर देखती हूँ जहाँ पर एक इंग्लिश लैंग्वेज की और उर्दू लैंग्वेज की क्लासेस कराई जाती हैं उर्दू की तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन उनको रिपीट कराया जा रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस हो रही तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए दोज हुआ वॉचिंग एज फ्राम एवर You are. हमें खुशी होती है कि आप हमें ज्वाइन करते हैं बिकॉज हमारे लिए सिर्फ ये स्टूडेंट नहीं है आप भी हमारे स्टूडेंट हैं जो हमें देख रहे हैं पीपल मी के लर्निंग फ्राम दिस क्लास उसे हमें खुशी होती है कि आप सीख रहे हैं और हमारी यही दुआ है कि आप सीखें ताकि जब तक हम इस कोर्स को एंड करेंगे हमें ये सुनने को मिले जब लोगों से कहे, आपने कुछ सीखा है तो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट ओके कमिंग टू आर टॉपिक्स क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे बीच में हम आपको एनिमल्स नेम भी करा रहे हैं uh, हम लोगों ने कैटेगरीज की थी जिसमें हमने पेट्स के नाम किए थे देन वी टॉक अबाउट फार्म एनिमल्स एंड सी एनिमल्स और मैमल्स की बात की थी अभी वाइल्ड एनिमल्स के नेम हमने करने लेकिन आज हम वो नहीं करेंगे आज हम आ, बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं फिर हमने टेंसेस पे जाने से सो देर दिस आर लॉट ऑफ कोर्स टू कवर इसलिए हमारी कोशिश है कि हम हर किसी को साथ लेकर चलें हम ब्लेंडिंग भी करा रहे हैं आपको तो आज हम बात करेंगे वर्ब्स हमने कर लिए थे टाइप्स हमने मेन की थी वैसे तो काफ़ी सारी थी लेकिन हमने जो बेसिक टाइप्स थी जो ईजी अंडरस्टैंडेबल थी वो हमने आपको कराई थी तो आज हम फॉर्म्स की बात करेंगे एंड नोट्स आर अवेलेबल मैं हमेशा बताती हूँ हर एपिसोड में फ्योर वॉचिंग अस फर्स्ट टाइम एन योर

हमने उस दिन बात की थी कि थ्री फॉर्म्स होती हैं बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब फिर थी ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी सेकंड फॉर्म थी वो क्या थी सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट ठीक है और फिर थी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म आज हम थोड़ी सी इसी पे बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और अगर आपने टेंसेज सीखने हैं और अगर आपको पता चलना कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी थी कि कहाँ कहाँ फ़र्स्ट या सेकंड या थर्ड फॉर्म हमें लगानी पड़ती है कि आप फ्यूचर टेंस यूज़ कर रहे हैं या प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं या पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं इन टेंसेसज की आगे टाइप्स हैं और इनमें ये वर्ब्स की फॉर्म्स यूज़ होती हैं ओके हमने आ, एक तो हमने लास्ट टाइम की थी कि बी की फॉर्म क्या है सेकेंड फॉर्म क्या है बी के बाद Was, अच्छा बी बेसिकली है क्या इज आर एम ये आप लिखा हुआ देखते भी हैं लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में बात की थी कि आ शी इज वर्किंग आई एम वर्किंग दे आर वर्किंग तो इसमें इज आर एम लिख इसकी इसकी जो पास सिंपल फॉर्म है इसको पास भी आप लिख सकते हैं या पास सिंपल कहते हैं आप इसको इसकी सेकेंड फॉर्म में क्या लिखते हैं आप वॉज एंड वर्क और जो इसकी थर्ड फॉर्म है यानी पास पार्टिसिपल बीम इसका इस्तेमाल ज़्यादा हम एक्टिव पैसिव में करते हैं वी विल नॉट स्टॉप ऑन टेंसिस बहुत सारे लोग टेंसेस के लिए भी इसको याद करते हैं लेकिन जब आप रीडिंग मटेरियल देखते हैं मोस्टली बुक्स में या आर्टिकल्स में या न्यूज़पेपर्स में बहुत जगह एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश की यूज़ होती है शी हैज़ बीन वर्किंग ही हैज़ बीन वर्किंग वहाँ बीन का भी यानी थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है तो हम ये टेंसेस ख़त्म करने के बाद वी विल गो ऑन एक्टिव पैसि वॉयस ऑल्सो उसका क्या यूज़ है इंग्लिश में और वो कैसे किए जाते हैं इसके रूल्स भी हम करेंगे देन डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें इंग्लिश में यूज़ होती हैं तो हमने टेंसेस के साथ साथ इनको भी टेंसिस के बाद पढ़ना है ओके ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई अब एक और वर्ड है बिकम बेकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम एंड अगेन बिकम अगर मैं ये कह रही हूं कि वो डॉक्टर बन चुकी है तो दैट मीन्स यहां अब जा, यहां पे पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यानी कि वो बन बन चुकी है काम हो चुका है तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी शी हैज़ बिकम अ डॉक्टर यहां मैंने थर्ड फॉर्म यूज की है क्योंकि टेंसेस में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है जब हम टेंसेस करेंगे क्योंकि मैं इसलिए आपको अभी करा रही हूँ कि आपको याद होनी चाहिए अगर आपके पास नोट्स नहीं भी हैं यू कैन नॉट कॉल एंड टेक द नोट्स नो प्रॉब्लम दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर अवेलेबल आप इंटरनेट पर जब लिखेंगे गूगल के ऊपर दीज़ फॉर्म्स तो ये आपको मिल सकती हैं एंड ये आपने याद करनी होगी याद आप करेंगे तो ही आप टेंसिस कर पाएंगे इसलिए प्लीज़ फाइंड आउट ऑन गूगल स्टार्ट लर्निंग दैम टिल वी रीच टू देंसिस मैं उर्दू में भी बता देती हूँ मैंने क्या कहा कि जो आपने वर्ब्स uh, की फॉर्म्स याद करेंगे तो फिर आपको जब वो मिल जाएंगी आपको याद होंगी तो जब आप टेंसिस करेंगे तो आपको ईज़िल अप्लाई कर पाएंगे सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप ये याद करें और अगर आप गूगल पर देखेंगे तो आपको मिल भी जाएँगे नोट्स वहाँ से आप याद भी कर सकते हैं ओके ये होगी इसकी देन ब्रिंग कुछ मैंने कहा यहां प्रैक्टिस के लिए आज हम करेंगे ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म भी है ब्रॉट दिस इज द सिंपल पास्ट ब्रॉट अगेन थर्ड फॉर्म पास पार्टिसिपल ब्रॉट देन बाय यानी कुछ खरीदना ब्रिंग यानी लाना बिकम यानी कुछ बनना बाय बॉट ये पास सिंपल है बॉट एंड अगेन वॉट चूज चूज यानी कुछ चीज चूज करते हैं ना कुछ चुनना या चूज करना उसकी सेकेंड फॉर्म है चूज ओ के साथ एंड चोजन चूज फर्स्ट फॉर्म सेकेंड चोज एंड थर्ड चोजन दिस इज दर्ड फॉर्म कुछ ऐसे भी हैं जिनमें चेंज नहीं आता वो एज इट इज लिखे जाते हैं कट सेकेंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट यानी कुछ काटना या स्टॉप करना यू कट दैट सो कट 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 ये एज इट इज ही रहता है देन डिग डिग यानी खोदना डग ये इसकी सेकंड फॉर्म है डिग डी आई जी डिग देन डग एंड अगेन सेकंड थर्ड फॉर्म डग अब ये देखें इसकी फर्स्ट फॉर्म डिग थी सेकंड और थर्ड दोनों ही सेम है लेके आए आप टेंस में सेकंड फॉर्म यूज करें या फॉर्म हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे सारी वर्ब्स हैं सारी हम नहीं कर सकते लेकिन हम कुछ करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली exactly आपने किस तरह से उसको याद करना है और क्यों ये जरूरी है जब हम अप्लाई करेंगे उसके ऊपर टेंसेज में देन यू विल गेट मोर क्लियर आइडियान कम कम यानी आना केम एंड कम जिस तरह बेकम था ना बेकम बिकेम बिकम तो कम केम कम अगर मैं टेंस में कहती हूँ शी कम्स लेट्स अब मैंने शी के साथ कम्स में क्या लगाया एस लगाया ये रूल है सिंपल प्रजेंट टेंस का रूल है कि जब आप वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आप एस लगाते हैं तो अगर मैं लिखती हूँ शी कम्स लेट इसका मतलब ये है कि उसकी रूटीन है वो लेट आती है तो इसका मतलब ये कि वो लड़की यानी शी प्रोनाउन है किसी लड़की के लिए नहीं शी कम्स लेट यानी कि वो लेट आती है यानी वो रेगुलरली लेट ही आती है मैंने यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है लेकिन फ़र्क क्या है मैंने यहाँ क्या लगा दिया साथ एस दिस इज़ द रूल फॉर द टेंस प्रेजेंट इन और सिंपल प्रेजेंट है अब मैं इसको अगर कहना चाहती हूँ वो लेट आई इसको पास्ट यानी सिंपल पास्ट में कैसे लिखूंगी शी सेकेंड फॉर्म यूज़ करूंगी केम लेट सेंटेंस यही रहेगा लेकिन मैंने फॉर्म चेंज कर दिया अब मैंने कौन सी फॉर्म यूज किया है कम की सेकेंड फॉर्म बिकॉज मैं यहाँ क्या कहताना चाह रही कि वो लेट आई ये फास्ट सिंपल टेंस है इसलिए साथ साथ एग्जाम्पल दे रही ताकि आपको पता हो कि मेरा क्या मतलब है ये कहने का कि आपने वर्ब की फॉर्म्स को अप्लाई करना है वेन यू आर यूजिंग टेंसेज ओके सेकंड फॉर्म हम तब यूज़ करते हैं जब पास्ट की बात हो रही है यानी कि मैं आपको कल की बात बता रही हूँ और मैं आपसे पूछ रही आपने पूछा कि जी वो कल कितने बजे मैं मैंने आपसे कहा कल वो लेट आई थी ओके okay. या मैं ऐसे बोलूंगी क्या वो लेट आई ठीक है इसका मतलब है कल की बात हो रही है समथिंग विच इज़ पास्ट तो सिंपल पास्ट टेंस में मैंने इसे क्या लिखा है शी केम लेट यानी वो लेट आई या वो लेट आई थी ठीक है ओके okay. अब मैं आपसे कहती हूँ कि अभी की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि ये वो आ चुकी है पर लेट तो मैंने कहा वो लेट आ चुकी है यानी लेट आई है यानी अभी इधर है वो लेकिन मैंने आपको बताया कि वो लेट आई है ओके शी इज हियर मगर ये काम हो चुका है वो आ चुकी है लेकिन लेट है ठीक है तो अब मैं इसको थर्ड फॉर्म के साथ लिखूंगी शी हैज अब मैंने हैज लगाना है यहाँ पर काम लेट वो आ तो गई है मगर वो लेट आई है She has come late. यानी दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट यानी काम हो चुका है वो आ गई है बगर लेट आई है तो यहाँ मैंने अब क्या किया है? हाँ हैज़ के साथ बिकॉज हैज़ और हैफ़ हम यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने लगानी होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के अंदर तो हैज़ हाँ के साथ मैंने अब जो यहाँ काम यूज किया है दिस इज नॉट फर्स्ट फॉर्म दिस इज थर्ड फॉर्म क्योंकि हैज़ और हैफ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आप हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास परफेक्ट हो क्योंकि अभी हम टेंसेस पे नहीं गए तो वो हम उसके साथ करेंगे लेटर क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं आपको इसको बता रही हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है ओके okay, यहाँ हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की थी फर्स्ट फॉर्म बट विद एस बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ अ टेंस जो चीज़ रूटीन में होती शी गोज़ टू स्कूल लेट शी कम्स टू स्कूल लेट ही गोज़ टू स्कूल लेट ही कम्स टू स्कूल लेट यहाँ एस लगाया मैंने एस और री e एस ठीक है बिकॉज दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टेंस क्योंकि हम बता रहे हैं कि रेगुलरली रूटीन में वो लेट आता है या वो लेट आती है तो मैंने कहा शी कम्स लेट या अगर लड़का है तो ही कम्स लेट ठीक है यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है बट विद एस और री e एस लेकिन अगर मैं कहती हूँ पास सिंपल में उसको कि वो लेट आई या लेट आया, लेट आया तो ही केम लेट ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की ठीक है सेकेंड फॉर्म मैंने यूज़ की केम तो मैंने कहा शी केम लेट ही केम लेट यानी वो लेट आया वो लेट आई ये बात उर्दू में भी आपको समझ आ ही रही है कि ये पास्ट की बात हो रही है मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ ठीक है यानी वो लेट आई या वो लेट आया तो इसलिए लेकिन मैंने यहाँ पर क्योंकि दिस इज अ सिंपल पास्ट टेंस तो उस टेंस के अंदर मैंने हमेशा सेकेंड फॉर्म लगानी है नाउ यहाँ नीचे जो सेंटेंस है ये परफेक्ट टेंस है बिकॉज परफेक्टनेस होता है जो काम हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है पास्ट परफेक्ट भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट भी होता है विल गो टू दैट ऑन टेंसेस उस पर मैं और डिटेल में कराऊंगी शी हैज़ कम लेट अब कम क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भी कम थी और थर्ड फॉर्म भी कम थी इसलिए आपको ज़रा डिफरेंस फील नहीं हो रहा लेकिन जो रूल कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि जब आप हैज़ या हैव लगाते हैं या हैड लगाएं पास्ट परफेक्ट में हम हैड लगाते हैं अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट में लिखती तो मैं लिखती शी हैड कम लेट बिकॉज परफेक्ट टेंस में हमेशा आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे सो शी हैज़ कम लेट नाउ दिस कम इज विच फॉर्म थर्ड फॉर्म ठीक है तो इसीलिए ऐसे हमने फॉर्म्स लगानी हैं ओके okay, अब कुछ और फॉर्म्स करते हैं ओके लेट्स टॉक अबाउट ड्रिंक ड्रिंक का क्या मतलब होता है पीना mm -hmm. ठीक है ये वर्ब है वैसे तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं या सॉफ्ट uh, ड्रिंक्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ये वो नाउन वाली ड्रिंक की बात नहीं हो रही है ओके okay? ये वर्ब की बात हो रही है एक्शन पीना इज एन एक्शन सो दिस इज वर्ब ड्रिंक ओके इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है ड्रैंक एंड देन ड्रंक दिस इज द थर्ड फॉर्म अब इसको अगर हम mm -hmm. ड्रिंक्स कॉफी ऑल एवरी मॉर्निंग ये सेंटेंस क्या बता रहा है कहा वीई आर वाई यहां नहीं आर यू एन के नोट्स में भी लिखा हुआ है आप उसमें भी देख रहे डी आर यू एनके ड्रंक् दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ड्रिंक अब यहां मैं क्या बता रही हूं दिस इज अंपल प्रेजेंटेंस इस टेंस में मैं ये बताना चाह रही कि इस लड़के की रूटीन है ठीक है अब चलो ही की जगह मैं कोई नाम भी लगा सकती हूं अगर आप ये नहीं तो आप यहाँ जॉन लिख सकते हैं ठीक है जॉन ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग ये उसकी रूटीन है यानी जॉन जो है हर सुबह वो क्या पीता है कॉफी ये इसकी आदत है सो दिस इज अंपल प्रेजेंट टेंस जो चीज रूटीन में हो रही है ठीक है तो आप ये कहेंगे कि वो अब अगेन यू सी दिस इज फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक लेकिन मैंने इसके साथ क्या लगाया है एस ठीक है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं किसी की रूटीन की जो चीज़ रेगुलरली होती है यानी आई गो टू वर्क एवरी डे लेकिन अब मैंने देखें आई के साथ गोज़ नहीं लगाया बिकॉज आई के साथ यस और यस नहीं लगता हम इसकी और डिटेल में भी बात करेंगे अभी मैं सिर्फ इसके साथ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आपको कि यहाँ पे एक्शन जो वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ हमने ड्रिंक का वर्ड यूज़ किया है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की विद एस यानी कि जॉन कॉफ़ी हर सुबह पीता है एवरी मॉर्निंग यानी हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में वो रोज पीता कॉफी ठीक है ये रूटीन है। ओके okay, अब इसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं जॉन ड्रैंक इन द अब मैंने मॉर्निंग की जगह इवनिंग कर दिया लेकिन ये सिंपल पास्ट है अब देखिए यहां मैंने कौन सी फॉर्म यूज की है सेकंड फॉर्म यानी ये पास्ट की बात हो रही है अब इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँ इसका मतलब क्या जॉन ने शाम को कॉफ़ी पी अब अगेन ये पास्ट की बात है यानी वो पी पी थी उसने कॉफी तो मैं ये बताना चाह रही कि जॉन ने शाम को कॉफी पी थी ठीक है अब ये है सिंपल पास्ट टेंस और उधर मैंने ड्रिंक की कौन सी फॉर्म यूज की है सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस जो है जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि इसने कॉफी पी थी अब ये रूटीन नहीं है उसने सिर्फ कल पी थी शायद तो मैं आपको बता रही जी जॉन ने कल या कल कॉफी पी थी या मैं ये भी लिख सकती यस्टरडे भी आप इन दी इवनिंग भी लिख सकते हैं और इसकी जगह आप यस्टरडे भी लिख सकते हैं यानी कल यस्टरडे मीन कल ओके यस्टरडे तो जॉन ड्रैंक कॉफी यस्टरडे यानी उसने कल कॉफी पी थी तो ये पुरानी बात हो रही है या अगर मैं इन दी इन दी इवनिंग भी लिख दूंगी तो इसका मतलब ये है कल शाम ये नहीं कि अभी पिएगा ये हो चुका है उसने शाम को कॉफी पी थी यानी वो शाम जो गुजर चुकी है तो है ये भी पास्ट की बात आप इन इवनिंग भी लिख सकते हैं लेकिन आप सेकेंड फॉर्म से ये गेस करेंगे कि ये पास्ट की बात हो रही है उसने कॉफी पी थी ओके ओके अब बात करते हैं ड्रंक जॉन द कॉफी इसका मतलब यह है जॉन कॉफ़ी पी चुका है यानी कि ये काम हो चुका है दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी अब यहां पर मैंने कौन सी फॉर्म यूज की है थर्ड फॉर्म क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं क्योंकि वो काम हो चुका है और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ आपने पूछा जिसने कॉफ़ी पीनी है तो मैं आपको जवाब में कहूँगी नहीं जॉन कॉफ़ी पी चुका है यानी ही हैज़ ड्रंक द कॉफ़ी तो इसलिए मैंने ड्रंक का थर्ड ड्रंक की थर्ड फॉर्म यूज है यहाँ पर क्योंकि वो पी चुका है कॉफी अब उसने नहीं उसने पीनी है ये काम हो चुका है मगर चुका है ठीक है अगर मैं कहती वो कॉफी पी चुका था तो मैं यहाँ क्या लगाती हैड सारा सेंटेंस वैसे ही रहता और यहाँ मैं लगा देती had. क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम हैज और नहीं सिर्फ हैड यूज करते हैं लेकिन अगेन फोकस हमारा क्या है इस वक्त थर्ड फॉर्म ठीक है डोंट वरी आप कहेंगे बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज चांसेस भी मैं साथ साथ बता रही हूँ और यही भी बता रही हूँ बिकॉज वर्ब मैं इसीलिए यही बताना चाह रही हूँ आपको कि वर्ब्स ऐसे अप्लाई करनी है सो इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब आपको वर्ब्स याद होंगी तो आपको ये पता होगा कि मैंने यहाँ कौन सी वर्ब लगानी है फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं उर्दू में आपको पता होता है मैंने कहाँ है कहना है कहाँ था कहना है या कहाँ थी कहना राइट दैट इज़ हाउ यू कॉन्वर्सेट बिकॉज ये आपकी लैंग्वेज है तो आपको जब ये याद होंगी फॉर्म्स वर्ब्स की आपको टेंसेज पता होंगे तो आप इंग्लिश में भी उसको बता सकेंगे कि मैंने यहाँ सेकेंड फॉर्म अप्लाई करनी है फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है जब आपको पता होगा आपके माइंड को कि मैं इस वक्त बात किस में कर रही हूँ प्रेजेंट टेंस में कर रही हूँ या पास्ट में कर रही हूँ या फ्यूचर में कर रही हूँ तो आपको ये पता होगा कि मुझे यहाँ कौन सी फॉर्म लगानी है जब आपको टेंसेज और वर्ब्स दोनों आती होंगी फॉर्म्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकेंगे इंग्लिश में सेंटेंसेज बनाने में आपको ईजी होगा जैसे मैं अभी यहाँ सेंटेंसेज बना रही हूँ बिकॉज आई नो कि ये फॉर्म मुझे कहाँ लगानी है कि मैं एक्सप्लेन कर रही साथ आपको राइट right? अगर आपने ड्रंक यूज करना है मैंने एक्सप्लेन किया ड्रंक क्यों मैं यूज करें क्योंकि वो पी चुका है कॉफी अब उसने दोबारा नहीं पीनी वो कॉफी पीता है ये उसकी रूटीन है ठीक है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम रूटीन की बात करते हैं मैं शॉपिंग करने जाती हूँ आई गो फॉर शॉपिंग एवरी डे ठीक है और शी फॉर अ शॉपिंग दे गो फॉर अ शॉपिंग एवरी डे यानी हर रोज वो काम हो रहा है जाते हैं वो मैं, आप मुझे बताना आप मुझे कहेंगे जी ये बच्चा रोज़ शॉपिंग करने जाता है ये अपनी मदर के लिए चीजें ये लेकर आता है तो इसका मतलब ये इसकी रूटीन है ही गोज एवरी डे टू बाय द स्टफ ठीक है कुछ खरीदने के लिए यहाँ पे मुझे पता है इंग्लिश में कि मैं रूटीन की बात कर रही हूँ तो मुझे फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई लगाना है ड्रैंक यहाँ मैंने यूज़ किया जॉन ड्रैंक कॉफ़ी इन द इवनिंग और येस्टरडे यानी इसने कॉफ़ी पी थी तो मुझे पता है यहाँ सेकंड फॉर्म के साथ मैं ड्रैंक को यूज़ करूंगी बिकॉज आई हैव यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दैट टेंस क्योंकि इस टेंस में ये सिंपल पास्ट टेंस है और मैंने इसलिए सेकंड फॉर्म यूज़ किया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उसने कॉफ़ी पी थी ठीक है अब मैं यही वर्ड यही सारी बात मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताना चाह रही हूँ कि वो कॉफ़ी पी चुका है या वो कॉफ़ी पी चुकी है तो मैंने इसको लिखा है जो ऑन हैज़ ड्रंक द कॉफ़ी ड्रंक क्यों क्योंकि वो पी चुका है उर्दू में इसलिए बता रही हूँ आपको बिकॉज यू सी हमारी आदत है कि जब हम इंग्लिश नई नई सीखते हैं तो हम उन उन सेंटेंसेस को पहले उर्दू में माइंड में बोलते हैं फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग जब शुरू शुरू में आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे अभी आप ऐसे ही होगा आपके साथ आप शुरू में आपका ब्रेन उर्दू में सोचेगा फिर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे फिर बोलेंगे बट इफ़ यू गेट अ प्रैक्टिस अगर आप बोलते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश में ही सेंटेंस बनाएंगे इन योर ब्रेन एंड यू विल स्पीक इन इंग्लिश दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉन्ट यू टू बी एंड आई वॉन्ट एवरी टू लर्न द इंग्लिश बिकॉज ये वो स्टेज है जहाँ आप इतने अच्छे हो चुके हैं इंग्लिश में कि आपका ब्रेन खुद ही इंग्लिश में सेंटेंस बनाएगा और आप उर्दू में बना के ट्रांसलेट करके नहीं बोलेंगे उसे आप डायरेक्टली इंग्लिश में बोलेंगे और वो आप इंग्लिश स्पीकिंग जिस तरह तो कहते हैं ना दैट यू हैव गोट अ कमांड ऑन इंग्लिश नाव फिर आपका ब्रेन आपको इंग्लिश में ही टेंस देगा आपको उर्दू में पहले सोचना नहीं पड़ेगा पर नो प्रॉब्लम एवरीथिंग गोज ग्रेजुअली हम जब टेंसेस करेंगे हम ये सारी फॉर्म्स अप्लाई करेंगे वो इसलिए करेंगे ताकि आपको पता चले कि हम क्यों कर रहे हैं फॉर्म्स तो प्लीज़ इफ़ यू आर डूइंग फॉर्म्स विद अस आज की इस एपिसोड में इसलिए मैं फॉर्म्स करवा रही हूँ विद द टेंसेस थोड़ी बहुत वी आर जस्ट टचिंग द टेंसेस अभी हमने शुरू नहीं किए हैं मगर हम इसलिए टच कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि फॉर्म्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं लर्न करना बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग कि इसके बगैर आप टेंसेस कर पाएंगे देन नो इट्स नॉट पॉसिबल आपको अप्लाई करने पड़ेंगे ओके लेट्स मूव ऑन टू अनदर फॉर्म ऑफ वर्क फिर उसको अप्लाई करते हैं सेंटेंसेज में ड्राइव ड्राइव करना ठीक है ड्रॉप एंड ड्रिवेन इस तरह गाड़ी ड्राइव करते हैं ना ड्राइव ड्रॉप ड्रिवेन अब इसका मैं सेंटेंस लिखती हूं ही इज ड्राइविंग अ कार नाउ विच टेंस इज दिस दिस इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है यानी जो चीज हो रही है यानी आई एम टीचिंग क्लास यानी ये क्लास पढ़ा रही हूं सो इट्स गोइंग ऑन ठीक है ये चीज चल रही है इसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अब यहां मैंने क्या किया है ड्राइव का जो वर्ड था दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ठीक है ड्राइव उसके साथ मैंने क्या लगाया है आई एन जी नाउ दिस इज द रूल फॉर्म मैंने कौन सी यूज की है वर्ब की फर्स्ट लेकिन मैंने उसे चेंज किया है विद आई एन जी दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू डू इन टेंसेस आपने इन फॉर्म्स को अगर लर्न करना है तो साथ साथ आपको चेंज भी करना होगा कहीं आपको एस लगाना होगा कहीं ई एस लगाना होगा कहीं आई एन जी का वर्ड यूज करना होगा तो आपने क्या करना है ही इज ड्राइविंग अ कार कौन सा फॉर्म यूज हुई फर्स्ट बट विद आई एन जी क्यों आई एन जी बिकॉज वो गाड़ी चला रहा है यानी अभी हो रही है ये चीज वो कार ड्राइव कर रहा है सो ही इज ड्राइविंग अ कार अब इसको चेंज करते हैं ही ड्रॉप द कार दिस इज सिंपल पास्ट एंस यह पास्ट इंडेफिनेट भी बोलते हैं ही ड्रॉप द कार उसने गाड़ी चलाई ठीक है यानी यह पास्ट ही बात हो रही है आप कॉन्वर्सेशन में कोई पूछ रहा है जी गाड़ी किसने चलाई थी तो आपने कहा गाड़ी उसने चलाई थी ड्रॉव दिस इज द सेकेंड फॉर्म वर्ब की ही ड्रॉव द कार यानी गाड़ी उसने चलाई थी ये पास्ट ही बात हो रही है सिंपल पास नाउ लेट्स यूज दर्ड फॉर्म ही हैज ड्रिवन द कार वो गाड़ी चला चुका है बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि ये काम हो चुका है ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है और पास्ट परफेक्ट भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट भी होता है विल टॉक अबाउट दैट मोर इन डिटेल लेकिन अब देखें यहाँ मैंने कौन सी फॉर्म यूज की है थर्ड फॉर्म बिकॉज यहाँ काम हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट हो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो इन टेंसेज के अंदर आप हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो इसीलिए उसने क्योंकि वो गाड़ी चला चुका है तो आपने कहा ही हैज ड्रिवन द कार क्योंकि उसने गाड़ी चला ली हुई है तो अब आप बात करें कि गाड़ी वो चला चुका है सो so, इसलिए आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है सो यू हैव रिटन ही हैज ड्रिवन द कार और भी काफी सारी फॉर्म फॉलन fall, अब मैं इस टेंसेस की तरफ तो बाद में जाऊंगी लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स फॉल का मतलब होता है गिरना फॉल फेल फॉलन यानी फॉल फर्स्ट फॉर्म है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ड्रीम यानी आप जो देखते हैं यू ड्रीम अबाउट समथिंग इसकी दो फॉर्म यूज होती है कहीं आप ये भी लिखा हुआ देखेंगे ए के साथ एम ईडी e, भी देखेंगे और ये भी लिखा हुआ देखेंगे ड्रीम्ड एंड ड्रीम्ड टी के साथ भी यूज होता है और डी के साथ भी होता है ये दोनों करेक्ट हैं ड्रीम्ड ये दोनों ही करेक्ट हैं फॉर गिव फॉर गेव फॉर गिव एन फॉर गिव यानी माफ करना फॉर गिव फॉर गेव एंड फॉर गिवन फर्स्ट फॉर्म क्या है फॉर गिव फॉर गेव एंड फॉर गिवन यानी शी ऑलवेज फॉर गिवस पीपल वो हमेशा सबको लोगों को माफ कर देती है यह उसकी आदत है तो मैंने क्या कहा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया शी ऑलवेज फॉर गिवस शी फॉर गेव हर फ्रेंड उसने अपने दोस्त को माफ कर दिया ठीक है अब यहां मैंने सिंपल पास्ट के साथ सेकेंड फॉर्म यूज की है शी हैजू गि हर फ्रेंड उसने अपनी फ्रेंड को माफ कर दिया है नाउ दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद विच फॉर्म थर्ड फॉर्म ओके आई एम नॉट राइटिंग इट एनी मोर ताकि आप ये कर लें सिर्फ आपने याद कहा गेट का होगा गॉट गॉट गेट गॉट गॉट She has got good marks, यानी third form use की है मैंने, has के साथ She got good marks, उसको अच्छे marks मिले She has got marks, उसको अच्छे marks मिल चुके हैं या मिले हैं This is perfect tense या आपने third. हाँ कुछ लोग ये भी use करते हैं Get got gotten. दोनों ठीक हैं कहीं get got got भी होता है और कहीं get gotten. बल्कि मैं लिख ही देती हूँ आप gotten भी use कर सकते हैं काफ़ी जगह गेट गॉट गॉट भी होता है और कहीं गेट गॉट गॉटन भी होता है दोनों ही करेक्ट हैं आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं ओके देन गिव गेव गिवन मैं इधर लिख देती हूँ ये हैं काफ़ी सारे गेव एंड गिवन देना इसके लिए यूज होता है फिर पे पेड पेड पे करना ना कोई चीज पे फर्स्ट फॉर्म है देन पेड सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड में भी आप पेड ही यूज़ करते हैं इस तरह की काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं नोट्स अगर आप देखें तो बहुत सारी हैं वही मैंने कहा सारी हम कवर नहीं कर सकते जिस तरह अंडरस्टैंड अंडरस्टोड अंडरस्टूड ये जो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ हैं उनके पास तो नोट्स हैं सो प्लीज़ लर्न देम क्योंकि जब हम टेंसिस करेंगे उसमें आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी मैं यहीं पर स्टॉप करूँगी आप अपने नोट्स में देख सकते हैं यू हैव द नोट्स ओल दीज आर देयर आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं क्योंकि इन दी एंड वी ऑलवेज डू बाइबल बुक्स तो वो ट्रेडिशन में अपना ख़त्म नहीं करूँगी वील डू जस्ट वन बुक टुडे क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है सो विल स्टॉप ओके लास्ट टाइम ने कौन सी बुक्स की थी? थीजिन yes. अच्छा उसके बाद कौन सी बुक आ रही की थी फर्स्ट सेकंड कराती है अच्छा फिलिपियंस ओके गुड लास्ट थी फ्यूज क्योंकि हम आ, आपको ओल्ड एंड न्यू टेस्टिवेंट की बाइबल बुक्स भी सिखा रहे हैं तो आज हम करेंगे बुक आफ्टर लास्ट थी लास्ट थी अच्छा लास थी, ठीक है उसके बाद जो बुक आती है फिलिपियो का खत है ये फिलिपियंस मैंने आपको बताया था पी एच की आवाज क्या है फ़ फिलिपियंस फिलिपियंस ओके फिलिपियो की मकबाल रसूल का खत किसके नाम है फिलिपियो के ठीक है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एपिसल ऑफ या लेटर ऑफ सेंट पॉल टू फिलिपियंस सो दिस इज द बुक ऑफ फिलिपियंस ठीक है उसको आप प्रनाउंस करते हैं ये पी एच आई एल फिलिपियंस ठीक है फिलिपियंस क्योंकि डबल पी है तो आप एक ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे डबल पी की सो दैट वुड बी द बुक ऑफ फिलिपियंस बिकॉज दिस इज द लेटर ऑफ सेंट पॉल टू फिलिपियंस एपिसल का वर्ड भी आप यूज़ करते हैं आप देखें एपिसल जब मैं लिखती हूँ तो यहाँ पर मैं टी को प्रनाउंस में एपिस्टल नहीं कहती इसको आई कॉल इट एपिसल वाई बिकॉज टी इज साइलेंट एपिसल का मतलब ही यानी जो ख़त लिखे गए थे जो पॉलिस रिसूल सेंट पॉल ने लिखे थे बिकॉज पॉल इज़ द पर्सन जिसने लिखे थे पॉसल पॉल हु द लेटर्स टू करंथियंस टू फिलिपियंस गलाशियंस एफ्यूज सो फिलिपियंस इज़ एन एपिसल एपिसल भी बोलते हैं इन सारों को बेसिकली एपिसल्स कहते हैं यहाँ टी साइलेंस है क्योंकि टी साइलेंट है क्योंकि जब इस तरह के वर्ड्स होते हैं इनमें कुछ साइलेंट होते हैं लेटर्स तो इसमें टी साइलेंट है इसलिए आप इसको एपिसल बोलेंगे सो दिस इज़ बेसिकली एन एपिसल फिलिपियंस या लेटर ऑफ सेंट पॉल टू फिलिपियंस सो द लेटर इज़ फिलिपियंस यहीं पर हम स्टॉप करेंगे प्लीज़ कीप लर्निंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस यू